हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा इसमें एक घोषणा पत्र लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस घोषणा पत्र को भरने का सही तरीका क्या है, जिस आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। बहुत से लोगों की मेरे पास कमेंट आती है कि हमारा सर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है। वो डॉक्यूमेंट दोस्तों रिजेक्ट होता है घोषणा पत्र की वजह से होता है। यदि आप घोषणा पत्र सही तरीके से फिल नहीं करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट दोस्तों रिजेक्ट हो जाता है। तो घोषणा पत्र को सबसे पहले हम बात करें डाउनलोड किस तरीके से करना है, तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वेबसाइट है दोस्तों उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर दोस्तों आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं। इन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अब घोषणा पत्र को सबसे पहले हम करते हैं डाउनलोड। तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म दोस्तों आपको इनकम, कास्ट, डोमेसाइल और हैंडीकैप सर्टिफिकेट और बहुत सारे सर्टिफिकेट में आपको भरकर अपलोड करना होता है। दोस्तों फॉर्म किस तरीके से भरना उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जिनका भी आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, चाहे दोस्तों आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या कोई भी और डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जिनके नाम से भी डॉक्यूमेंट बनेगा उनका यहाँ पर नाम आएगा हिंदी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनके पिता या पति का नाम आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप पति का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप बना देंगे W/O यानी वाइफ ऑफ, यहाँ पर बना देंगे और यहाँ पर पति का नाम लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उम्र लिखी गई है कि उम्र कितनी है उनकी, 20 है, 30 है, 40 है, 15 है, जितनी भी उनकी उम्र हो, 10 है, 5 है, उनकी उम्र यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद उम्र का वर्ष लिखना है कि 2002 है, 2005 है, 2007 है, जो भी उम्र का वर्ष हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों व्यवसाय लिखना है कि वे क्या काम करते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों मजदूरी डाल सकते हैं या उनके काम का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी लेडीज के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, किसी महिला के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप गृहिणी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिख रहा है निवासी, यानी उनका पूरा एड्रेस आपको डालना है यहाँ पर, उनके गाँव का नाम क्या है, पोस्ट का नाम क्या है और उनकी सिटी का नाम यहाँ पर क्या है। अगर आप दोस्तों घोषणा पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद इसी एड्रेस वाले कॉलम में उनकी यहाँ पर जाति लिखनी है। आपको यहाँ पर जाति लिखेंगे और उनकी SC ST OBC कौन सी जाति से है वो यहाँ पर लिख देंगे और उनकी जाति लिख देंगे, कुमार है, धोबी है, सके है, बनी है, जो भी उनकी जाति हो यहाँ पर आप लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर स्थान लिख रहा है, स्थान में उनके शहर का नाम लिख रहा है जिनका भी आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर दिनांक डालनी है कि जिस दिन आप यहाँ पर फॉर्म भरते हैं वो डेट आपको डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन हस्ताक्षर का, यहाँ पर उनके आप साइन करा सकते हैं। दोस्तों जो साइन नहीं कर सकते हैं उनका यहाँ पर अंगूठा भी लगवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उनका आवेदक का नाम भी देना है। अगर दोस्तों आप डॉक्यूमेंट किसी बच्चे का बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उस केस में यहाँ पर जो सिग्नेचर होंगे उनके माता या पिता के किसी एक के होंगे और यहाँ पे आवेदक, आवेदक के नाम में उनके माता या पिता का नाम आएगा। बाकी जो सब डिटेल है वो यहाँ पर बच्चे की भरी जाएगी। अगर मान लो बच्चे का बनाना चाहते हैं तो उनके नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, उनका एड्रेस आएगा। और दोस्तों यहाँ पर व्यवसाय में आप छात्र डाल देंगे या दोस्तों यहाँ पर बच्चा आप डाल देंगे, क्योंकि बहुत से लोग जब बच्चे का जाति या मूल निवास अप्लाई करते हैं तो उसमें यहाँ पर साइन भी दोस्तों उनके बच्चे का दिखा देते हैं और यहाँ पर आवेदक, आवेदक का नाम में भी बच्चे का दिखा देते हैं, तो इस कारण उनका दोस्तों डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। जिस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे फॉर्म भरने का तरीका बताया, अगर आप उसी तरीके से फॉर्म भरेंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।